बिल्कुल, मैंने अपना मत का प्रयोग किया यहाँ पे, और मैं सभी देशवासियों को आज अंतिम चरण का चुनाव है उनको कहूंगी कि अपने घरों से निकले और अपने अधिकार का प्रयोग करें, मत डालें। और ये देश का चुनाव है और वो अपने मुद्दों पे, जो जनता का मुद्दा है उसके लिए वोट डाल रहे हैं, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है। आज आपका भी चुनाव है? बिल्कुल, मेरा भी सुबह से, हम भी अपने क्षेत्र में ही हैं और अभी फिर वही वोट डाल के फिर वही जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है, उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। और इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में काफी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रहे हैं, ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीसा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, देश के प्रधानमंत्री से भी और स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव से। दिल्ली में भी आज मीटिंग है इंडिया अलायंस की। बिल्कुल, आज एक बैठक, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है और वो बैठक आयोजित की गई है शाम को, मुझे समय का जानकारी नहीं, लेकिन शाम को है, तो एक तरह से उनकी समीक्षा भी करेंगे कि पूरे 7 चरण में कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे क्या करना है। तो बहुत एजेंडे की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यही सब रहेगा। प्रधानमंत्री जी का मेडिटेशन भी खत्म। आप देखिए ना, किस तरह का ध्यान लगा रहे प्रधानमंत्री, हजारों कैमरे के बीच कोई ध्यान लगाता है? वो तो प्रचार करता है। अगर हम सुबह पूजा करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो कैमरों के सामने थोड़ी ना करते हैं। ये तो आज कोई प्रोग्राम लगा नहीं सकते थे, कहीं प्रचार कर नहीं सकते थे, तो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। ये आप लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद बड़ा कुछ होने वाला है, तेजस्वी यादव भी, इंतजार करिए, मुख्यमंत्री भी दिल्ली जा रहे हैं, इंतजार करिए, 4 जून को शाम होते होते आपको बहुत सारी खबरें आप सबको मिलेगी, इंतजार।